नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित निशन देख रहे हैं। मौसम जो है वो शादी ब्याह से लेकर के तमाम सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उनको लेकर के है, लेकिन बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने आज महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक के बाद शादी ब्याह से लेकर के श्राद्ध कर्म और अंतिम संस्कार के लिए जो है जो मेहमानों की जो सीमा है उसको तय कर दिया है। सबसे बड़ी खबर ये कि बिहार में ये तमाम जो बंदिशें हैं वो फिलहाल 30 अप्रैल तक ये लागू होंगी। अगर संक्रमण नहीं रुका तो इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको बता दें कि शादी ब्याह के लिए जहाँ पर 200 लोगों की सीमा तय की गई है, यानी कि शादी ब्याह और अंतिम जो श्राद्ध क्रम है उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनकी सीमा सिर्फ 200 होगी, यानी कि उन आयोजनों में सिर्फ 200 लोग ही एक बार में होंगे और उनको भी दूरी जो निश्चित दूरी है उसी हिसाब से उनको बैठाने या फिर उनको लाने की व्यवस्था करनी है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि अंतिम संस्कार को लेकर के भी सरकार की तरफ से बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आज आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में प्रत्यय अमृत की तरफ से किए गए घोषणा में इस बात का जिक्र है कि सिर्फ 50 लोग जो हैं वही अंतिम संस्कार यानी कि जब अंत्योष्टि होती है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बिहार से बड़ी खबर है कि शादी ब्याह यानी कि बैंड बाजा बारात से लेकर के अंतिम संस्कार तक के लिए सरकार ने एक बार फिर से जो है शक्तियां बढ़ा दी हैं। पहले जो निर्णय लिया गया था उसमें 250 लोग शादी के लिए तय किए गए थे कि 250 लोग एक शादी में शामिल हो सकते हैं, 200 कर दिया गया है, यानी कि किसी शादी ब्याह में सिर्फ 200 लोगों के ही कोई मेहमान के तौर पर आमंत्रित करने की अनुमति होगी। ये बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में पिछले कुछ घंटों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते आंकड़ों के बाद अब सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है बिहार में, क्योंकि कई राज्यों से लोग होली में पहुंचे थे और सरकार को इस बात का अंदेशा था कि जो लगातार दूसरी वेव जिसकी बात कही जा रही थी जिसके महाराष्ट्र समेत कई राज्य प्रभावित हुए हैं तो इसका असर बिहार में भी पड़ सकता है। लिहाजा लगातार इन तमाम बिंदुओं पर सरकार की नज़र बनी हुई थी और ऐसे में कुछ पाबंदियाँ कुछ सख्तियाँ पहले लगाई गई थी और उन सख्तियों और पाबंदियों को अब आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में शादी ब्याह को लेकर के सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें शादी ब्याह के लिए सिर्फ 200 लोगों की ही को ही शामिल करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि लगन जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है और सरकार की बंदिशें जो हैं आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। लिहाजा ये सख्तियां हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बिहार भर के तमाम तरह के प्रतिष्ठान दुकानें जो हैं वो सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही चलेंगी। होटल रेस्टोरेंट के लिए भी जो है 25% कैपेसिटी के साथ ही संचालन की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाघरों में ये 50% होगा। पार्क में बिना मास्क के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक होगा और जितने भी इस तरह के सार्वजनिक स्थल हैं उनमें भी बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए हुए खुद के प्रवेश की जो है वो अनुमति नहीं होगी। अधिक अपडेट के साथ तुरंत हाजिर होते हैं, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।